जी अभी थोड़ी देर पहले हमने कम्बिनेशन वाले क्वेश्चन कुछ किए, उसमें एन भी निकाला, आर भी निकाला। अभी उसके जो वर्ड प्रॉब्लम है उसके हवाले से बात करते हैं। तो ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ, आप इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें बुक में पढ़ें तो वहाँ पे डायगनल्स का जिक्र है और ट्राइंगल का जिक्र है, जबकि उसने उसकी साइड्स की बात की है। देखें, हमारे पास साइड ट्राइंगल है तो उसके बेसिकली 3 वर्सेज होते हैं, 3 ही साइडें होती हैं। ये वर्सेस के हवाले से भी बात कंसिडर की जाती है। एन जो है वो हम टोटल साइड्स जो है उसकी कंसिडर करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला पार्ट है, एन इजिकल टू 5 दिया हुआ है, आगे 8 भी दिया हुआ है, आगे शायद 12 भी दिया हुआ है, तो उसी हिसाब से हम चल लेते हैं। डायगनल क्या होता है? बेसिकली दो पॉइंट को, वो जो साइड है वो डायगनल भी हो सकती है, लेकिन जो हम डेफिनेशन करते हैं जब हम एक पॉलीगॉन की बात करते हैं तो उसमें अपोजिट कॉर्नर को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे कहते हैं। इसलिए जो ट्राइंगल का फार्मूला है और जो डायगनल का फार्मूला, थोड़ा थोड़ा उसमें फ़र्क आ रहा है। तो कैसे आ रहा है? देखिए, हमारे पास अगर दो इस तरह से पॉइंट हैं तो वो फर्ज कर लें ये 3 पॉइंट हैं, हम इसको मिला देते हैं तो यहाँ कोई डायगनल नहीं है। लेकिन अगर 4 पॉइंट आ जाते हैं, उनको हम मिलाते हैं तो यहाँ पर डायगनल आ जाएंगे कि ये अपोजिट कॉर्नर को और एक ये अपोजिट कॉर्नर। तो इनकी तादाद लगा, आप देखें यहाँ पे अगर देखें तो लाइनें कितनी है, 6, लेकिन डायगनल उसमें कितने हैं, 2। ठीक है, यहाँ पर इसी फार्मूला को यूज़ किया गया। तो देखिए, ये फार्मूला हमारे पास नंबर ऑफ डायगनल्स एन सी टू माइनस एन, अगर मैं इसी को इस्तेमाल करता हूँ तो ज़रा देखें, ये ए हमारे पास कितनी साइडें आ रही हैं, 4, तो 4C2 लिखा जाएगा माइनस, ये डायगनल नहीं है, ये जो साइड है ये डायगनल नहीं है, ये क्या है, आउटर साइड है। डायगनल तो सिर्फ दरमियान वाले या अपोजिट कॉर्नर वाले हैं। तो ये कितने आ रहे हैं, 2। अगर आप यहाँ 4 सबट्रैक्ट करोगे तब आपको उसका आंसर मिलेगा, लेकिन हमारे पास इस वक्त जो है वो क्या है, इक्वल टू 5 पेंटागन। अगर आप पेंटागन ड्रा करते हैं, उसके नंबर ऑफ डायगनल चेक करते हैं तो वो कितने निकलने हैं, 5, और ये हमारे पास उसका फार्मूला बनता है। सुन लीजिए, एन सी टू क्यों है, क्योंकि 2 पॉइंट को मिलाने से लाइन बनती है, दैट्स वाई डायगनल जो है वो एक लाइन है बेसिकली, तो एन सी टू कहलाएगा। लेकिन उसमें जो ये एन सबट्रैक्ट किया, ये क्या था, नंबर ऑफ साइड्स, जैसे यहाँ पे ये 4 साइडें थी तो 2 पॉइंट को मिलाने से तो 6 लाइनें बन रही हैं, लेकिन उसमें डायगनल कितने हैं, 2, तो वो जो 4 लाइनें थी वो बेसिकली क्या थी, साइड तो सबट्रैक्ट होगी, ये हमारे पास डायगनल आ जाएगा। तो एन की वैल्यू है 5, वो उसमें आपने पुट की और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 5। ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई 3 पॉइंट मिलाते हो जो कोलिनियर नहीं होते तो उनको मिलाने से हमें क्या मिल जाती है, ट्रायंगल। तो ये उसका फार्मूला है NC3। ठीक है, तो n हमारे पास 5 है तो ये आ जाएगा 5C3 विच इज 10। तो इस तरह से ये आपका डायगनल वाला और ट्रायंगल वाला क्वेश्चन हो जाता है। जितनी मर्जी साइडें दी हूँ वो आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं उससे आगे जो क्वेश्चन है, जैसे पहले चल रहा था वो अरेंजमेंट की बात हो रही थी, अभी भी उसी तरह से एक वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास आ रहा है। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ लीजिए आप, देखिए इसको। इसमें टोटल पर्सन जो है वो 8 दिए हुए हैं, कमेटीज जो आपने बनानी है उसके जो मेंबर होने हैं वो कितने होने हैं, 5। ठीक है, मेंबर्स ऑफ कमेटी, तो ये 5 होने हैं, उसे हम आर यूज करेंगे और टोटल जो पर्सन है उसके लिए एन। अब आपने सवाल अगर पढ़ लिया, देख लिया उसमें तो क्या आ रहा है, उसमें उसने बताया हुआ है कि टोटल आपके पास 8 हैं, उनमें से 5 की आपने कमेटी बनानी है। तो अगर तो हम डायरेक्ट उसके लिए चलें तो क्या आएगा, 8C5 आ जाएगा। लेकिन सवाल में देखिए एक कंडीशन और दी हुई है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक दो सवाल और भी इस तरह के वो प्लेयर्स वाले भी हैं। वो कहता है जब 2 पर्टिकुलर पर्सन इंक्लूडेड हो, यानी आपने 5 मेंबर की कमेटी बनानी, 2 में ऑलरेडी सिफारशी बैठे हुए हैं, यानी 8 बंदे थे उनमें से 2 सिफारशी हैं, वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए, पीछे सिलेक्ट जिन में से करने हैं वो कितने अच्छे। तो ये देखें, व्हेन 2 पर्टिकुलर पर्सन इंक्लूडेड, तो फिर क्या हो जाएगा, यहां पे आपके पास एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। और चूंकि आपने 5 मेंबर की कमेटी बनानी है तो आप उसमें से 2 तो ऑलरेडी सिलेक्ट हुए हैं, तो पीछे कितने सिलेक्शन वाले रह गए, 3। तो इसका मतलब है आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो अब नंबर ऑफ कमेटीज जो है वो जब हम निकालते हैं तो वो कितने निकलेंगी, 6C3 विच इज 20। तो ये तो था आपका इस वर्ड प्रॉब्लम के हवाले से कमेटीज वाला क्वेश्चन। एक अभी एक और भी आ रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा पेपर में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, आप इसको ज़रा देखिए पढ़िए। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक भी है सवाल के अंदर, तो उसको आप करेक्ट भी कर लीजिए। उसमें जो लिखा हुआ है ना एंड पे दूसरी लाइन में नंबर ऑफ कमेटी, वो बेसिकली है 7 मेंबर ऑफ कमेटी, तो मैंने यहाँ लिख दिया है कमेटी मेंबर्स कितने हैं, 7। वो बुक में नहीं लिखा हुआ, आपने उसकी करेक्शन कर लेनी है। तो वुमेन दी हुई हैं 10 और मेन दिए हुए हैं 8। सॉरी।
तो देखें इसमें जो पहला पार्ट है हमारा उसमें दिया हुआ है कि आपने 7 मेंबर की कमेटी बनानी है जिसमें 4 वुमेन आपने रखनी है। अब उन 4 वुमेन की जब हम बात करते हैं यहां पर कमेटीज बनाने के लिए, तो देखिए जरा हमारे पास वुमेन कितनी है 10, उनमें से 4 वुमेन आपने रखनी है उस कमेटी के अंदर, तो टोटल मेंबर कितने बनाने हैं 7, इसका मतलब है मेल कितने रह जाएंगे, मेन कितने होंगे उसमें 3, तो वुमेन 10 में से आपने 4 सेलेक्ट कर लेनी है और मेन 8 में से आपने 3 सेलेक्ट कर देनी है, ठीक है। तो ये देखिए टोटल मिला कितने हो जाएंगे 7, तो आप इनको इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 11760। फिर दोबारा सुन लीजिए, टोटल 10 मेंबर हैं और उसमें से वुमेन है, उनमें से 4 वुमेन आपने कमेटी के अंदर रखनी है, तो इसका मतलब पीछे 3 मेन बच जाएंगे जो आपने रखने 8 में से। तो ये उनकी सिलेक्शन के लिए, चूंकि 10C3J4 लिखा हुआ है 10 8, जैसे हम पहले भी कर रहे थे, टोटल और आर क्या होता है कंसिडर्ड। अब आते हैं दूसरे पार्ट, यहां लिखे लिखा हुआ है एट मोस्ट 4 वुमेन, आपकी बुक में भी यही पार्ट लिखा हुआ है ऐसे ही। तो फिर नंबर ऑफ कमेटीज कैसे बनेंगे, अब देखो इस बात को समझे, एट मोस्ट 4 वुमेन, ज्यादा से ज्यादा इतनी वुमेन आप रख सकते हैं, इसका मतलब है इससे कम भी रखी जा सकती है, और कम कितनी 0 तक, यहां मैं आपको इससे शेयर करता हूं। तो पहले तो वही बनेंगे जो ऊपर लिखे हैं, 10C4 4 वुमेन हो गई, 8C3 3 मेन हो गए, इसकी कैलकुलेशन से हमें वो उसकी तादाद मिल जाती है, लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल में जैसे ऊपर लिखा होता है ना 4 वुमेन, यहां लिखा हुआ एट मोस्ट, इसका मतलब है इससे कम भी आ सकते हैं। तो अब अगर 3 वुमेन आप कमेटी में रखते हैं तो मैन कितने रखने पड़ेंगे 4, क्योंकि टोटल 7 मेंबर बनाने हैं आपने, तो ये उसका दूसरा हिस्सा आ जाएगा 10C3 × 8C4। तो ये बात ध्यान में रखें, 3 वुमेन और 4, यहां नीचे जो आ रहे हैं ना ये 7 बनने चाहिए, ये बात ध्यान में रखनी है। तो 3, 4 आ गया, अब इसी तरह 3 वुमेन की बजाय 2 वुमेन कर दें तो 10C2 आ जाएगा और मेन 5 हो जाएंगे। फिर एक वुमेन जो है वो कमेटी के अंदर कर दे तो फिर 6 आपके पास मेन जो है वो आप वहाँ पे कमेटी मेंबर बना देंगे, और अगर वुमेन कोई भी नहीं रखते हैं तो सारे के सारे मेन आ जाएंगे, तो फिर बनेगा 10C0 × 8C7। इनकी कैलकुलेशन कर लें, ये मैंने की हुई है, तो ये आपका आंसर इस पार्ट का आ जाता है। उसके बाद जी जो तीसरा पार्ट है उसको अगर आप देखें, ये आपका आंसर 1 था, ये आंसर 2, उसमें देखिए लिखा हुआ है एटलीस्ट फोर वुमेन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वुमेन जो कमेटी के मेंबर बनाने हैं आपने वो 4 से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो ये देखिए 10C4 पहले तो वही होगी 8C3 जो शुरू में था, 4 वुमेन 3 मेन 7 मेंबर हो गए। अब अगर वुमेन 5 कर देते हैं, यानी उसने एटलीस्ट का, इसका मतलब बढ़ा सकते हैं हम, वुमेन 5 कर दें तो मैन 2 हो जाएंगे, अगर वुमेन 6 कर दें तो मैन 1 हो जाएगा, और अगर वुमेन 7 कर दें तो कोई मैन नहीं होगा। तो इसकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे टोटल, तो ये आ जाएगा आपके पास 20,616। ये तीसरा आंसर आपके पास आ गया। तो इस तरह ये आपके वर्ड प्रॉब्लम इसके हैं। अभी हमारा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट वाला है, कई दफ़ा पेपर में आया, वो उससे रिलेटेड उसने एक नंबर वाली फॉर्म में भी दिया हुआ है, तो उसको ट्राई करते हैं। जी बच्चों, ये अभी हमने जो क्वेश्चन किया ना, ये 7.4 का फर्स्ट पार्ट, इसका बुक में जो आंसर है वो गलत दिया हुआ है, तो उसको ज़रा आप देख लीजिएगा, बुक में यहाँ पे 10 लिखा हुआ है और यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, तो आप उसकी अगर फर्ज कर लें, आप इस तरह डायग्राम बना के भी चेक करना चाहें ना, तो आपको डायगनल कितने मिलने हैं 5 और ट्राइंगल कितनी मिलनी है 10। जो बुक में लिखा हुआ है वो 10 और 20 है, वो मिस्टेक है वहाँ पे, तो ज़रा ये करेक्शन नोट कर लीजिएगा।